हेलो, ये भी देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बायोमोलिक्यूल सही है, बट ये वाला जो सेक्शन है आप लोग इसको बाईपास कर देते हो। जहाँ पे उन्हें लिविंग स्टेट को डिस्क्राइब किया उसको बाईपास ना करना, इस बार उससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकैटालाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन? CO2 डिजॉल्विंग वाटर, CO2 डिजॉल्व हो रहा वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ग्लूकोज कन्वर्टेड 10-स्टेप रिएक्शन है, सबसे पहला ही हेक्सोकाइनेज है। ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन अवर स्केल्टल मसल, तो ये भी आपका एंजाइम ड्रिवन रिएक्शन है। अब आपसे पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा अनकैटालिस्ट मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग, खास तौर पे आपकी NCERT में लिखा है नो रिएक्शन इज नोन, नॉट अ सिंगल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज अकरिंग विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम प्रेजेंट मस्ट है, नन ऑफ द अबव को चुन लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो रहा जिसमें एंजाइम ना हो। थैंक यू।